हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक वीडियो यहां पर हमारे चैनल पे आउट हो चुकी है जिसमें का नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर से रिलेटेड। 36% के यहां पर टारगेट आ रहे हैं, बट रिस्की स्टॉक्स है, स्मॉल कैप स्टॉक्स है, सारे रिस्क बता रखे हैं। और किस तरीके से ये स्टॉक्स यहाँ पर अपने टारगेट को अचीव कर सकता है वो भी मैंने आपको बता रखा है। जाकर वीडियो को यहाँ पर वॉच करिए। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले एक और स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है एमी ऑर्गेनिक। एमी ऑर्गेनिक से रिलेटेड यहाँ पर बातें करेंगे, बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे, फाइनेंशियल्स को समझेंगे और चार्ट पैटर्न को समझेंगे, जो कि चार्ट यहाँ पर बता रहा है कि ये अपने ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल, जो आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको सबसे पहले यहाँ पर वीडियो मिले। और दूसरे वीडियोस जाके आप देखिए। देखिए कल यहाँ पर रेणु का शुगर बताया था 20% का अपर सर्किट। तो इसी तरीके के स्टॉक्स आपको बताते रहते हैं। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी, और ये पर्टिकुलर नंबर दे रखे हैं, इन नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एमी ऑर्गेनिक की। एमी ऑर्गेनिक ने यहाँ पर 52 वीक हाई 22 सितंबर 2021 को 1434 रुपए का बनाया, 766 रुपए का 52 वीक इसका लो भी है, और 47% के आज की डेट में यहाँ पर डिलीवरी, लगभग 120,000 शेयर डिलीवरी बेसिस पे उठाए गए हैं। मेरे पास ये शेयर ऑलरेडी है, पहले बात ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैंने आज के दिन में यहाँ पर ये स्टॉक्स को और ऐड करा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ब्रेकआउट लेवल को यहाँ पर क्रॉस किया है, इसलिए। तो यहाँ पर वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देखिए 41% के शेयर प्रमोटर्स के पास है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। एमी ऑर्गेनिक की बात करें, एमी ऑर्गेनिक एक बेहतरीन शेयर यहाँ पर नजर आता है। आई डोंट नो क्यों ये गिरा, ओके, जस्ट बिकॉज ये नया शेयर था इसलिए इसे जबरदस्ती गिराया गया था, ओके, वरना गिरने के पीछे ऐसा कोई रीजन नहीं था कि यहाँ पर इस शेयर को इतना गिराया जाए कि 50% तक ये नीचे डाउन आ जाए। एमी ऑर्गेनिक वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्राइव एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स। तो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांस फार्मास्यूटिकल्स इंटरमीडिएट्स। तो देखिए एडवांस यहाँ पर APIs में कंपनी काम करती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स में। यहाँ पर एडवांस फार्मास्यूटिकल्स इंटरमीडिएट से कंपनी फाइंड आउट करती है फॉर न्यू केमिकल एंटिटीज एंड मटेरियल फॉर द एग्रोकेमिकल्स एंड फाइन केमिकल्स। फाइन और एग्रोकेमिकल्स के लिए कंपनी काम करती है। 14 ईयर्स की लेगेसी है। और बात करें यहाँ पर कंपनी ओवर 450 यहाँ पर फार्मा इंटरमीडिएट्स अक्रॉस 17 की थेरास्यूटिक्स एरियाज में कंपनी यहाँ पर प्रोड्यूस कर चुकी है। तो कंपनी छोटी मोटी नहीं है, कंपनी काफी बड़ी है। 24-25 कंट्रीज में यहाँ पर ये कंपनी लगभग 150 कस्टमर को सर्व करती है, कस्टमर इन इंडिया एंड 25 कंट्रीज के अंदर अंदर। 88% फार्मा से और यहाँ पर 4.87% स्पेशलिटी केमिकल से कस्टमर यहाँ पर इनका रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है। कंपनी काफी अच्छी खासी यहाँ नजर आती है, जो कि यहाँ पर गुजरात गुजरात में सिचुएटेड है, जिसमें सचिन नामक जगह पर एज वेल यहाँ पर बात कर अंकलेश्वर और जंगाड़िया में यहाँ पर एक कंपनी काम करती, यहाँ पर इनके प्लांट होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्लाइंट बेस की बात करें, जितने ही बड़े बड़े यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं, लॉरेंस लैब, कैडिला, यहाँ पर सारे के सारे सिप्लस फैब्रिक इटालियन है, यहाँ पर ये सारे के सारे इनके कस्टमर है। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर इनके रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज R&D इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन थ्रू इनऑर्गेनिक रूट में ये कंपनी काम करती नजर आती है। तो कंपनी काफी अच्छी यहाँ पर नजर आती है। और जब से ये कंपनी आई है तब से यहाँ पर लगातार गिरावट होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर आप देखेंगे सीधे यहाँ पर गिरावट हुई है, एक इन्होंने अच्छा खासा बेस भी तैयार कर लिया है। तो अगर गिरावट हुई तो उसी तक होगी, फिर उसके बाद जब जाएगा तो शेयर यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न देते हुए दिखाई देगा। एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करिएगा, इनके पोर्टफोलियो पे यहाँ पर नजर मारिएगा, कंपनी मैनेजमेंट यहाँ पर सब चीज पे यहाँ पर नजर मारेंगे, एक्सपर्टीज यहाँ पर इनका मिशन, तो आपको यहाँ पर चीजें यहाँ पर समझ में आती हुई दिखाई देगी कि यहाँ पर देखिए 150 प्लस कस्टमर्स, 450 प्लस कमर्शलाइज प्रोडक्ट एज वेल एज 25 प्लस मार्केट प्रेजेंस इन कंट्रीज, 11 प्लस यहाँ पर अप्लाइड पेरेंट इनका है। यहाँ पर इनकी यहाँ पर ये देख सकते हैं इनके इन्होंने कुछ इमेजेस डाल रखी है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की। तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी इसी तरीके से गिरती है और जब भागेगी तो इसी तरीके से रिटर्न भी देगी। तो कंपनी का बिजनेस में कितना दम है वो चीजें यहाँ पर देखना है। अगर कंपनी के बिजनेस में दम है तो बेशक से कितनी भी गिरावट हो, ऐसी गिरावट तो देखिए हाँ, जब ये अपने रास्ते ये भागेगा ना तब ऐसी गिरावट बीच बीच में आती रहेगी। 10 साल में देखेंगे तो कम से कम 10 बार ये गिरेगा ऐसे स्टॉक्स। बट यहाँ पर जब इसका चार्ट पैटर्न होगा तो एक लॉन्ग चार्ट पैटर्न होगा, जो आपको करोड़पति बनाने वाला चार्ट पैटर्न होगा। मार्केट कैप
लगभग 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 72% 72 का इसका पीई चल रहा है, इंडस्ट्री का पीई 26 है। अभी भी शेयर यहाँ पर महंगा नजर आता है, बट अच्छी चीजें महंगी ही मिलेगी, सस्ती नहीं मिलेगी। आरओसी आरओई 32 और 38 रेस्पेक्टिवली है, जो कि हम बात करें तो काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आती है, और यहाँ पर इस तरीके के आरओसी के साथ कंपनी काम करती है, तो आप करोड़पति डेफिनेटली बनेंगे अगर पैसा ऐसी कंपनी में रखते हैं। तो डेट की बात करें, ना के बराबर डेट है इनके पास, 1438 का यहाँ पर हाई था, 1086 पे ये शेयर अभी यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं, जब से आए एक अच्छी खासी गिरावट ही है इस शेयर में। इसके अलावा बात करते हैं कंपनी, तो कंपनी की जब परफॉर्मेंस देखेंगे तो सितंबर 2020 में 91, फिर दिसंबर में 92, जून में 113, सितंबर में 122, और अभी बात करें 141। तो लगातार सेल्स में जंप है, जब लगातार सेल्स में जंप है, लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का, बस मार्जिन में थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे, इस वजह से शेयर को यहाँ पर नीचे लेकर जबरदस्ती लेके आए। अदरवाइज कंपनी का जो यहाँ पर देखिए सेल्स बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, जब ये सारे पॉइंट यहाँ पर अच्छे दिखा रहे हैं तो शेयर का गिरना किसी भी तरीके से वाजिब नहीं था, बट जबरदस्ती नीचे गिराया गया था। ईयरली परफॉर्मेंस देखिए कंपनी का, देखिए तो 160 करोड़, 188, 239, 240 और अभी मार्च में 341, तो लगातार यहाँ पर ग्रोथ, 12 करोड़ से 54 करोड़ का प्रॉफिट, 14% का ओपीएम यहाँ पर 24% का हो गया, ईपीएस यहाँ पर बढ़ के यहाँ पर ईपीएस 17% का यहाँ पर ईपीएस चल रहा है, सारी पॉजिटिव यहाँ पर चीजें दिखाई देती है। रिजर्व्स की बात करें, 37 करोड़ का रिजर्व 2017 में था, 5 साल के अंदर अंदर यहाँ पर 445 करोड़ का रिजर्व्स, याद रखिए कितना अच्छा रिजर्व्स बढ़ा है। बोरिंग यहाँ पर कम होगी, 11 करोड़ रह गई है, और यहाँ पर कंपनी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, कैश की बात करें तो कंपनी के पास अच्छा खासा यहाँ पर कैश भी नजर आता है, एक बार ये ओपन हो जाएगा तो पता चल जाएगी, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है। और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 41% की है, एफआईज की होल्डिंग 1.34, डीआईज की होल्डिंग 3.81%, तो जिसने जितना बेचना था, एफआईज ने बेचना था बेच दिया, डीआईज ने बेचना था वो बेच दिया, ओके पब्लिक के पास जितना होना था वो हो गया, देखिए 53% पब्लिक के पास आया, उसमें भी बड़े बड़े लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, सुंदर अय्यर ने यहाँ पर अभी 1.06% की होल्डिंग लिया, तो अच्छी खासी होल्डिंग नजर आती है, थोड़ी बहुत होल्डिंग ही पब्लिक के पास यहाँ पर नजर आती है, बाकी सारी होल्डिंग अच्छे खासे हाथों में है। और देखिए कैश यहाँ पर 3 करोड़ से 102 करोड़ हो गया, वो भी कितने टाइम में, केवल और केवल 6 महीने में, यहाँ पर कैश बढ़ रहा है, डेट कम हो रहा है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, शेयर को कोई नहीं ऊपर जाने से रोक रहा। ओके यहाँ पर थोड़ा बहुत हो सकता है कि कंसोलिडेशन हो, बट उसके बाद जब जाना शुरू करेगा तो ये शेयर ही मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आज के दिन ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर देखिए इस लेवल को इसने क्रॉस किया 1040 को, और यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होकर यहाँ पर ये शेयर इसी प्राइस में यहाँ पर रह गया। आज की डेट में मैंने इसी प्राइस के आसपास यहाँ पर शेयर बाय की है। अब इसके लिए हर्डल कौन सा है, इसके लिए हर्डल है केवल एक, और वो कौन सा हर्डल है ये, अगर ये इस हर्डल को क्रॉस कर लेता है, और एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 1159 में 1160 को यहाँ पे क्रॉस कर लेता है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है इसके लिए, जब भागता है तो इसी तरीके से भागता भी है, तो ये इस लेवल को क्रॉस कर लेता है तो ये शेयर पहले इस लेवल पे और फिर सीधे यहाँ पर इसी पे जाके रुकने वाला है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, और यहाँ पर राउंडिंग बॉटम जो बनता हुआ नजर आ रहा है ना, सॉरी जो राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है वो यहाँ पर साफ बता रहा है कि यहाँ पर शेयर को ऊपर जाना ही है। यहाँ पर देखिए राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक चार्ट पैटर्न की और बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर शायद बनाता हुआ नजर आए, ये इसने शोल्डर बनाया, यहाँ पर इस ये हेड बनाएगा, हेड बनाने के बाद ये शायद और हेड बना के चीजें और ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है, तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए। बाकी एक यहाँ पर कप और यहाँ पर हैंडल बना के इस तरीके से भी चीजें यहाँ पर ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो दोनों तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें, देखिए यहाँ पर सपोर्ट इसने बन गया है, 772 का एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है, इसके अलावा एक सपोर्ट यहाँ नजर आता है, और दूसरा अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 1000 के आसपास का स्टॉप लॉस ही यहाँ पर कारगर होगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए, बाकी स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, ये स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में एड करे, लॉन्ग टर्म में खेले तो पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में भी खेलना है तो यहाँ पर देखिए ये सीधे के सीधे यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये सबसे पहले कितने परसेंट के रिटर्न देगा, सॉरी हाँ, तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो सबसे पहले ये यहाँ पर आपको 7-6% के रिटर्न,
फिर इसके बाद ये यहाँ पर 13% के रिटर्न, और ये अपने ऑल टाइम हाई को अगर क्रॉस करता है तो 30% के रिटर्न साफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। पोजिशनल बेसिस पे इसे होल्ड करके रखिए। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, जितना हो सके सीखने की कोशिश करनी है। दूसरी वीडियोज आउट हो चुकी है, जाके देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए, आप हमें सपोर्ट करेंगे हम इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे, और ये पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।